going straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, perfect piece is the spot. वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वाले व्लॉग में आपको जानने को मिलेगा कि हांगकांग कितना महंगा है। एज ऑफ नाउ आई एम एट विक्टोरिया हार्बर, तो ये बहुत ही फेमस जगह है बेसिकली। तो जब भी आप हांगकांग के बारे में सुनोगे तो विक्टोरिया हार्बर सबसे पहले आएगा। एंड जो आपने अभी भी जितने भी शॉट्स देखे, इट वॉज ऑल शॉट इन विक्टोरिया हार्बर। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। एंड दिस एरिया इज लिटरली वेरी गुड। तो हांगकांग आपको पता है कि कम्स अंडर चाइना। ये जो हांगकांग है समंदर के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ का अभी टेम्परेचर मॉडरेट है। मतलब ठंडा है लेकिन उतना ठंडा नहीं है कि आप जैकेट लेके चलो। इट्स अ प्लेजेंट वेदर। और यहाँ से जो टोक्यो की फ्लाइट है वो है 4.5 घंटे की, सोल की फ्लाइट है 3 घंटे की। तो ये कुछ व्यू है विक्टोरिया हार्बर का, इज माइंड ब्लोइंग नो डाउट। एंड मुझे यहाँ तक आने में लगे लगभग 7.5 हांगकांग डॉलर, जो मैं मेट्रो से आया। और ऑक्टोपस कार्ड भी होता है हांगकांग में, जिस कार्ड के थ्रू आप सब कुछ जो है परचेज कर सकते हो, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये अभी हम और ऊपर आ गए और यहाँ से व्यू देखो, बहुत बढ़िया व्यू है। ये पूरा आगे तक जा रहा है। यहाँ पे आने की कोई फीस वीस नहीं है, तो फ्री ही समझना आप। तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे हार्बर व्यू के साथ। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन हांगकांग। और जो ये सामने वाला एरिया देख रहे हो, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दिस इज सेंट्रल। तो यहाँ से 2 स्टेशन, मतलब मेट्रो से जाओगे अगर, सबवे से जाओगे तो 2 स्टेशन बाद वहाँ सेंट्रल में पहुँच जाओगे। तो भाई मतलब रात में ना और भी अच्छा लगता है। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में बैठेंगे। बाय द वे, तो कल मैं एयरपोर्ट से आया, मैंने लगभग 70 हांगकांग डॉलर दिए ट्रेन में, एक्सप्रेस लाइन थी। उसके बाद मैंने कैब ली स्टेशन से लेके अपने होटल तक, मैंने फिर पे किए लगभग अराउंड 100 हांगकांग डॉलर फिर पे किए। मतलब 1700 में मैं होटल आया एयरपोर्ट से। तो भाई खाने पीने की भी दुकानें हैं, देखते हैं अभी क्या लेते हैं। 40 हांगकांग डॉलर का है कोक प्लस वनीला, मतलब लगभग 500 रुपये का। अंदाज़ा लगा लो भाई कितना महंगा है। यहाँ पे होटल रिजेंट करके है, बिल्कुल मतलब हार्बर के बगल में ही है, दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया रिजेंट और दिस इज शेरिटन। हाँ मतलब सबसे एक्सपेंसिव स्टे होगा क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है विक्टोरिया हार्बर का। ये है विक्टोरिया हार्बर का ऑपोजिट साइड, यहाँ से व्यू देखो आप, पूरी सिटी का व्यू देख सकते हो। ये शेरिटन होटल है आई थिंक, वो भी देख रहे हो ना बड़ी बिल्डिंग, ये भी कोई होटल ही है। और वो म्यूजियम देख रहे हो ना, MUSEA, ये बहुत फेमस म्यूजियम है। About the end, cause look at the way we started, I gotta get it regardless, cause be living heartless, gardeners in the war, and there's warriors in the garden, so give me a break. तो मैंने लिए एक कॉफ़ी अराउंड 35 हांगकांग डॉलर्स की। आ गई हमारी कॉफ़ी, वाइट शुगर ही थी इनके पास, शुगर फ्री वगैरह नहीं थी। भाई सामने व्यू देखो रे कॉफ़ी, एंड आई थिंक 400 के हिसाब से कॉफ़ी ठीक है। लिटरली गाइस वन ऑफ द बेस्ट व्यूज आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ स्काईलाइन। तो दिस इज हांगकांग एंड द फ्रंट पार्ट इज हांगकांग आइलैंड। फेरी सर्विस भी जाती है अगर किसी को फेरी पे जाना हो घूमने नाइट टूर के लिए, तो ये फेरी सर्विस भी जाती है। और बस सर्विस भी है, तो बस सर्विस का प्राइस है अराउंड 320 हांगकांग डॉलर्स। कॉफ़ी पी ली मैंने, लगभग अराउंड 400 की पड़ी। मेरे पास कैश था तो लगभग आप कह सकते हो 400 हांगकांग डॉलर जो है ना मैं कैश लेकर आया था। अभी जा रहा हूँ मैं एप्पल के स्टोर, बहुत तगड़ा एप्पल का स्टोर है, मैं आपको दिखाता हूँ एप्पल के प्रोडक्ट्स, देखते हैं कितना फ़र्क है इंडिया से और हांगकांग। कल कोशिश करेंगे कि हम उस साइड जाएँ एक बार, है ना। और ये फेरी भी चलती है ऑल्सो, ये ऊपर रूफ टॉप कैफेज वगैरह भी हैं। रात में कुछ ऐसा दिखता है हांगकांग। और अभी हम जा रहे हैं एप्पल के स्टोर और ये शेरेटन होटल है ना, लाइट्स बहुत कमाल की। और ये म्यूजियम है, आपको लग रहा होगा जैसे एप्पल शोरूम है। जब भी आप देखना कोई भी कंट्री जो डेवलप होगी, वॉकिंग जो है ना उसको प्रायोरिटी मिलती है, पेडेस्ट्रियंस को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, चाहे वो जापान देखा, साउथ कोरिया या हांगकांग। तो मिनिमम वेज रहता है ना वो बहुत हाई है हांगकांग का, तभी इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल के शोरूम। भाई ये टेस्ला आपको यहाँ बहुत मिलेगी, और रोड देख के क्रॉस करना। तो पेडेस्ट्रियंस के लिए यहाँ पे मतलब भाई बहुत फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे ना अगर रेड होगा पेडेस्ट्रियन के लिए, तो जो आवाज़ सुन रहे हो ना टिक 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 की,
ऐसी रहेगी और जब ग्रीन होगा टिक 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 तेज हो जाएगा अपने आप। जब कोई साउंड आ रहा है ना उसको एक बार फील करना। हाँ तो जैसे अगर आप फोन पे भी लगे हो बाय चांस और आपने ध्यान नहीं दिया कि लाइट ग्रीन हो गई है, इसलिए ये साउंड देते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग फोन पे ही लगे रहते हैं। और ये कोई होटल है भाई, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा होटल है। ऑल्सो अभी मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ आपको सिर्फ लग्जरी ब्रांड मिलेंगे भाई। दिस इज द मेगा एप्पल स्टोर। कितना बड़ा एप्पल स्टोर है और कमाल का शोरूम है। यूएसए के बाद सबसे ज्यादा एप्पल स्टोर चाइना में है। और अब देखते हैं कितने का आईफोन है। This is 256 GB. 6799 Hong Kong dollars, right? तो ये है iPhone 14, 256 GB, 6799 into 11 कर देना. Extra 2, 6399 Hong Kong dollars. Oh, that's good. Actually, अगर आपको Ultra 2 watch लेनी है, जो अभी इंडिया में लगभग 80,000 की है, ये 6399 Hong Kong dollars की मिलेगी, लगभग 65,000 में, लगभग आप समझो कि 15-20,000 का फर्क है भाई, तो बहुत तगड़ा फर्क है। और ये है सीरीज 9, GPS 45mm पड़ेगी आपको लगभग 3999, लगभग अराउंड 43,000 में। तो ये GPS वाला मॉडल है, इंडिया में ये 54,000 का है, ठीक है, 10,000 का फर्क है वॉच में। अल्ट्रा 2 में भाई साहब बहुत फर्क है GPS मतलब। तो ये है iPhone 15 Pro, इसका प्राइस देखते हैं कितने का है। 8599 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर, लगभग गाइस 90,000 का आपको पड़ जाएगा iPhone 15 Pro। सर दिस iPhone 15 Pro 256 GB इज हाउ मच? 9399। ऑलराइट तो लगभग आपको 97,000 का पड़ेगा 256 GB। एक्चुअली क्या है ना, मेरा GST आने वाला है, सो मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया से ही लूँ एप्पल वॉच, या फिर अगर मैं एप्पल अपना फोन अपग्रेड भी करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे GST रिफंड मिल जाएगा। और इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि 28% GST ऑफ हो जाता है अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो। लगभग अगर 90,000 की वॉच है या 85,000 की, तो -28% हो जाएगा GST। तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो मैं इंडिया से लूँगा, मुझे फ़ायदा पड़ेगा। बट आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, तो 9399 डॉलर्स को कन्वर्ट कर लेना, लगभग 97,000 का पड़ेगा आपको iPhone 15 Pro। एप्पल जो है हांगकांग में सस्ता है कम्पेयर टू इंडिया, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो iPhones हांगकांग से करवाते हैं इम्पोर्ट अपने लिए, iPhone सस्ते हैं, पर मेरे लिए इंडिया बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ टैक्स। आज का दिन हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे खाना खा के, कोको इची बनिया, करी हाउस कोको इची बनिया, चाहे जापान हो कोरिया हो, मैंने यहाँ न जाने कितनी बार खाया है। और इंडिया में भी है ये, गुड़गांव में और मुंबई में भी है कोको इची बनिया, और प्राइस भी इसका ठीक ही ठाक। और यहाँ पे वेगन खाना मतलब वेज खाना भी मिल जाता है। सो ये है मशरूम करी, साथ में जापनीज स्टिकी राइस, और ये है पेप्सी ब्लैक। टोटल अगर बिल की बात करूँ तो लगभग 75-76 हांगकांग डॉलर लगे हैं, इनटू 11 कर लेना। दिस इज द बेस्ट अगर आप कोरिया जा रहे हो, जापान जा रहे हो, या हांगकांग तो वेज खाते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं, मजा आ गई गाइस, कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि ये होता है इतना टेस्टी है। और भाई ये नोट देख रहे, 100 हांगकांग डॉलर्स, 1200 रुपए की कीमत है इस नोट की, इतने में ही अपना खाना हो गया। तो ये $10 की टिकट आई है, 110 रुपए की टिकट है, मेट्रो के हिसाब से महंगा बोलूंगा। यहाँ मैंने डाला नोट, अपने आप चला गया, सिंगल वे जर्नी है, डिसिप्लिन देखो गाइस। रूम आ गया था, आपने देखा अभी तो आधा दिन हुआ है, कल आप अभी और देखोगे कि भाई कितनी चीजें हांगकांग में, बट अभी तक तो मुझे भाई अच्छा खासा एक्सपेंसिव लगा है। हांगकांग जो करेंसी है यहाँ की थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, डॉलर यहाँ का सस्ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कल। भाई आज हमारा कम से कम अच्छा खासा कैलोरी बर्न हुआ, लगभग 500 के ऊपर कैलोरीज बर्न किए हैं। देखो जब आप बाहर आते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने पीने की, मतलब भूख बहुत लगती है यहाँ पे, और खाने के ऑप्शंस कम होते हैं क्योंकि एज ए इंडियन कहीं रेस्टोरेंट में तो जा ही नहीं सकते, मतलब नहीं खा सकते, आपको वो सब खाना पसंद ही नहीं आएगा। क्योंकि अपन इंडिया में सिर्फ दो टाइप के मीट होते हैं, या तो आप चिकन खा लोगे या फिश खा लोगे मैक्स से मैक्स, उसके अलावा बाहर की कंट्रीज में बहुत टाइप के मीट होते हैं। और खाने में पता नहीं कभी सॉस में होगा कभी कहीं होगा, न्यूट्रिशन मेंटेन करना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं अपने साथ कैरी करता हूँ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन, चाहे मैं इंडिया में हूँ या इंडिया के बाहर। दिस मेक श्योर कि भाई मेरा न्यूट्रिशन कंटेंट सही बना रहे, बॉडी प्रोटीन की अमाउंट जाती रहे। तो अपन तो वर्कआउट तो करते ही हैं, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। तो हाँ, जिसे वो बोलते हैं ना कि एक स्केड्यूल है लाइफ का, तो हाँ अब दिस इज पार्ट ऑफ माय रूटीन। तो सुबह एक बार ब्रेकफास्ट में और एक बार पोस्ट वर्कआउट तो मैं दिन में दो बार ले लेता हूँ। तो क्योंकि जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी तेज रहता है, आप रूटीन में रहते हो। प्रीमियम गोल्ड वे में 25 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप में, 11 ग्राम EAA पर सर्विंग, 5.5 ग्राम BCAA है। आप समझो कि ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये बॉडी में मसल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोच रहे हो भाई ऐसी क्या चीज है जिसको सबसे अलग बनाती है, इसमें प्रो हाइड्रोलाइज एंजाइम टेक्नोलॉजी, ये जो है ना ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपके बॉडी में बहुत अच्छे से
अब्जॉर्व होता है। बाकी प्रोटीन्स में जो मैंने देखा है मैक्सिमम इश्यूज होते हैं कि भाई वो अब्जॉर्व नहीं होता बॉडी में, इसके साथ वो चीज नहीं है। उसके अलावा इन्फॉर्म चॉइस यूके सर्टिफाइड है, बहुत बड़ी चीज होती है, और ये ट्रस्ट की सील भी है, लैब रिपोर्ट भी आपके लिए है, आप चेक कर सकते हो। तो ट्रस्ट का इश्यू है नहीं, और मैं एक साल से ले रहा हूँ। तो अभी एक स्कूप लेते हैं फटाफट। टेस्ट में बहुत ही कमाल का है, मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वर्कआउट करते हो और अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर कुछ नए नए रेजोल्यूशंस लाए हो अपने साल में अपनी फिटनेस को लेके, तो इसको परचेज कर लो, बहुत काम की चीज है। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह लग रही है भूख, तो मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। अभी आया था ATM HSBC, तो याद रखें जहाँ पे वीजा मास्टर कार्ड मेंशनड हो ATM में, उसी ATM से पैसे निकालना, वरना निकलेगा नहीं। 300 हांगकांग डॉलर निकाले हैं मैंने और 3200 रुपीस कटे हैं, लगभग 3200 रुपए, 11 रुपए का एक्सचेंज रेट मिला है। एक्चुअली जिस रेस्टोरेंट पे मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, उन लोग सिर्फ कैश लेते हैं। खाना खा लिया, बहुत भूख लगी थी, और इंडियन खाना खाया, पनीर और राइस। तो जैसे जो इंडिया के बाहर के रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे राइस खा लिया करो अगर आपको मैदा पसंद नहीं है। तो जैसे मेरे को मैदा सूट नहीं होता, मैं राइस खा लेता हूँ, स्टिकी राइस साथ में पनीर की सब्जी, पेट भर गया। अभी सीधा रात में खाऊंगा और करी हाउस में खाऊंगा। मतलब कितने का बिल आया, $70 का बिल आया, लगभग अराउंड 710 रुपए। अभी चलते हैं स्टारबक्स की, भाई नींद भी आ रही है थोड़ी सी, और काम आज इतना ज्यादा है कि भाई आई कांट अफोर्ड टू लूज एनी वर्क। ये है $47, एडवाइस दूंगा कि पेमेंट कैश में करना स्टारबक्स में या फिर कहीं पे भी। सो गाइस, वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, जहां तक मैंने दो दिन में नोटिस किया है, कार्ड से पेमेंट कम करना, बिकॉज कार्ड के कन्वर्जन चार्जेस पर्टिकुलर मेरे तो बहुत है। बल्कि जब मैंने कैश निकाला तो मुझे बहुत अच्छा रेट मिल गया HSBC में, बट $47 की कॉफी और 516 रुपए कटे। तो ये ले ली कॉफी, बिकॉज बहुत सारा काम है अभी वापस जाके। तो अभी हम जा रहे हैं IFC मॉल, वीडियो कर ली एडिट, थंबनेल्स के लिए शूट करना था, स्टोरी बनानी थी, बहुत कुछ करना था, अभी भी स्टोरी बनानी है। अब जा रहे हैं हम IFC मॉल, जो कि सेंट्रल हांगकांग में है। तो जो कल हमने मेट्रो पकड़ी थी उसी मेट्रो में जाना है, लेकिन वो 3 स्टेशन आगे जाना है हमको, और $7.50 लगा था कल। तो मैंने ऑक्टोपस कार्ड नहीं लिया, बिकॉज मैं 3 दिन के लिए आया हूँ ना हांगकांग। अगर मैं एक हफ्ते के लिए होता तो मैं ऑक्टोपस कार्ड ज़रूर लेता, अगर आप आ रहे हो ज़्यादा समय के लिए तो ले लेना। $50 डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, तो लगभग आपको $150 लगेगा टू परचेज अ कार्ड, जिसमें से $50 आपका डिपॉजिट रहेगा, $100 आप यूज़ कर सकते, और जब आप वापस करोगे ऑक्टोपस कार्ड तो $50 वापस मिल जाएंगे। तो ये जा रहे हैं हम लाइची कुक स्टेशन के अंदर, और हांगकांग इज फेमस फॉर इस एस्केलेटर्स, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एस्केलेटर है। यहाँ से आप टिकट कैसे खरीद सकते हो, ठीक है, सिंगल जर्नी टिकट इशूइंग मशीन। यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेशन पे प्रेस करो, जैसे मुझे जाना है सेंट्रल, तो एक $1 पे प्रेस करना, यहाँ पे आ जाएगा, $15 लगेंगे एक अडल्ट पे प्रेस करके। यहाँ पे $20 का मैं नोट डाल रहा हूँ, और ये आ गई अपनी टिकट और चेंज। तो हमारी है रेड लाइन, और गूगल मैप से आप प्रॉपरली देख सकते हो कि आपकी ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो गूगल मैप का मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेन में बैठना है। पहले तो आप लाइन देखोगे कौन सी लाइन है, देन देखोगे टुवर्ड्स कौन से स्टेशन। दिस इज सेंट्रल हांगकांग। तो जितने भी बड़े फाइनेंशियल बैंक्स हैं या जितना भी पैसों का लेन देन होता है हांगकांग में, वो यहीं से होता है। ये देख रहे हो भाई, सारी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यहीं मिलेंगी, सारे बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। ये है सबसे ज्यादा मेन, जैसे अपने बॉम्बे का हो गया, साउथ बॉम्बे जहाँ पे बॉम्बे एक्सचेंज सेंटर है, वैसे ही ये जो है सेंट्रल हांगकांग है। हांगकांग इज अ पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कंट्री, तो आपको यहाँ पे मतलब वॉक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। वो बिल्डिंग आपने कल देखी थी दूर से विक्टोरिया हार्बर से, और अभी हम आ गए हैं सेंट्रल, और आप यहीं से देख रहे हो। दिस इज आई थिंक द हाईएस्ट बिल्डिंग इन हांगकांग, आई थिंक सो, बट मोर देन 100 फ्लोर्स हैं। तो वो देखा आपने फ्लैग कितना डेवलप्ड है, एंड ये जो बिल्डिंग देख रहे हो दिस इज JP Morgan। तो आपने बहुत सुना होगा JP Morgan के बारे में, इंडिया में कई लोगों की जॉब लगती है JP Morgan में, यहाँ पे वही सब मिलेगा आपको। तो वो रहा JP Morgan, ये था ब्रिज, और ये देखो IFC मॉल।
तो भाई ये है बाचा कॉफी, जिन्होंने मेरा सोल वाला वीडियो देखा था सिंगापुर एयरलाइंस वाला, उनको पता होगा, आपको पता ही है मैं कॉफी का कितना ज्यादा शौकीन हूँ। बाचा कॉफी कैसे मिस कर सकता था, सिंगापुर एयरपोर्ट में आपने देखा था और अभी यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैंने भाई कॉफी ले ही ली, $50 की आई है, 50 हांगकांग डॉलर, लगभग 550 रुपए कटे हैं। ये कॉफी गाइस कभी मिस मत करना अगर आप कॉफी के शौकीन हो। सो आई विल हैव टू मिक्स द शुगर विद दिस राइट? Yes, but I would prefer at the last because it's better for you to stand your coffee. कॉफी इसमें आपको ना पहले क्रीम मिलानी होती है अगर आप चाहो तो, और बाद में फिर ये शुगर दिए। इसका कलर देखो कितना बदल गया अपने। तो मेरे को मैकडोनल्ड्स जाना है तो मैंने मैकडोनल्ड्स पे क्लिक किया और ये पूरा मैप आ गया, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। So, मैंने ये बर्गर लिया है फिशो फिलेट, मैंने भाई दो बर्गर लिए हैं फिशो फिलेट, 28 हांगकांग डॉलर के पड़े, लगभग अराउंड 300 रुपीज। वेज में कोई ऑप्शन नहीं था, नॉन वेज में चिकन अगेन था, तो मैंने फिश ले ली, फिश में ज्यादा प्रोटीन है और सस्ता भी था। ये बर्गर बहुत ही फ्रेश है। अभी मैं जा रहा हूँ हांगकांग ऑब्जर्वेटरी डेस्क पे, 20 हांगकांग डॉलर लगेगा और मेरे पीछे देख सकते हो भाई ये पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, IFC मॉल। दिस इज कॉल्ड फिनेंस स्ट्रीट, तो इसका नाम ही देख लो भाई, फिनेंस स्ट्रीट है ये जगह का। तो अभी मैं जा रहा था ऑब्जर्वेटरी डेस्क पे और भाई एप्पल स्टोर की लोकेशन देखो, मतलब रोड के बीच में है, जो फ्लाईओवर बना है उसी में इन्होंने एप्पल स्टोर बना दिया। मतलब यार क्या लग रहा है ये एप्पल स्टोर। जैसे कि मैंने बोला कि चाइना में ना USA के बाद सबसे ज्यादा एप्पल स्टोर है, आपको अगेन पूरी स्काईलाइन दिखेगी और मैं जा रहा हूँ वो ऑब्जर्वेटरी डेस्क में। पता नहीं मुझे मिलती है टिकट की नहीं। तो ये है ऑब्जर्वेटरी डेस्क, जाके पूछते हैं भाई क्या प्राइस है क्या नहीं। रश मिलने वाला है यहाँ पे बहुत ज्यादा, आई एम श्योर, स्टिल वील ट्राई, आई होप हमें मिल जाए। एंड हाँ, कैश रखना अपने पास, तो मैंने $300 निकाल लिए थे, उसका अब्यूज होगा। हालांकि मुझे $150 अलग रखना पड़ेगा बिकॉज कल एयरपोर्ट जाना है। तो मैंने पे किए $20, अगर आपको पूरा प्राइवेट गंडोला चाहिए तो $160 लगेंगे, लगभग 1000 रुपये। सिंगल अडल्ट $20, बच्चे फ्री हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई, और भी रात में व्यू देखो यहाँ पे, और बढ़िया व्यू हो गया रात में, पूरी लाइट जल गई हैं। कल हम उस साइड थे, अभी हम इस साइड हैं। तो ये पूरा कार्निवल वाला एरिया है, बट वो देख रहे हो भाई जैसे हमारे यहाँ होती है प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी एडवांस वाली है, चिल्लाने की आवाज आ रही होगी। एंड दिस इज द कैफे, यहाँ बैठो आराम से, चाय पीते हो तो चाय पियो और अगर कुछ और पीते हो तो कुछ और पियो, एंड साथ में ये नज़ारे इंजॉय करो। वो बिल्डिंग बहुत कमाल की लग रही है, नो डाउट। यहाँ आपको लोग जॉगिंग करते दौड़ते हुए मिल जाएंगे, साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे, बहुत ही कमाल का एरिया है, मतलब मजा आ गई गाइस, फीलिंग है भाई यहाँ पे, नो डाउट। कल रात में मैं आ गया था रूम, तो मैंने कुछ कुछ सामान अपनी मम्मी के लिए लिया है। ये मैंने लिया है एजिंग केयर वॉशिंग क्रीम, ये मैंने ली है मतलब कुछ कुछ मैंने ये कॉस्मेटिक्स वगैरह लिए हैं, क्रीम्स वगैरह लिए हैं, स्किन बूस्टर और एक गोल्ड कोलाजन, तो ये सब मैंने लिया है। मैं आपको बता दूं टोटल मुझे पड़ा है गाइस $333, लगभग अराउंड 3600 रुपए कटे हैं मेरे बैंक से। तो आई होप आप जान पाए होगे कि हांगकांग कितना एक्सपेंसिव है, और आई होप आप ये भी जान पाए होगे कि हांगकांग काफी खूबसूरत है। इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड कैपिटल। 4-5 साल पहले
हांगकांग वॉज द फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन कोविड के बाद ये डिक्लाइन हो गया बहुत ज्यादा एंड इट इज स्टिल रिकवरिंग. बाकी वर्ल्ड काफी हद तक आ चुका है वापस, बट ये जगह अभी भी रिकवर कर रही है. तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में, देख के अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला. लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.